एक गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत लालची इंसान होता है और हमेशा अमीर होने के चक्कर में रहता था। वो हमेशा से ये सोचता था कि मेरा कोई लंबा हाथ लगे। आखिर वो दिन आ ही जाता है। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए एक पुराने जंगल में जाता है। उस जंगल में कई सालों से कोई भी इंसान नहीं आया था, क्योंकि इस जंगल में एक शैतान रहता था, इसलिए लोग डर के मारे उस जंगल के आसपास भी नहीं भटकते थे। शंकर वो पहला इंसान था जो लकड़ियां काटने के लालच में उस जंगल में आया था। अचानक शंकर के सामने वो शैतान प्रकट होता है। उस शैतान को देखकर शंकर डर जाता है। तब वो शैतान कहता है, तुम वही आदमी हो ना जो बहुत जल्द अमीर होना चाहता है। ये सुनकर शंकर ने कहा, हाँ मगर ये सब आपको कैसे पता चला? तब शैतान ने कहा, मुझे इंसान को देख के सब पता चल जाता है कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं गरीबी वाली जिंदगी गुजार कर तंग आ चुका हूँ। ये सुनकर शैतान कहता है, मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ और तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जिससे तुम अपने गाँव के सबसे बड़े धनवान बन जाओगे, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। ये सुनकर शंकर ने कहा, कैसी शर्त महाराज? अगर तुम मुझे इतनी दौलत दोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब वो राक्षस कहता है, कुछ साल पहले एक स्वामी जी ने मुझे इस जंगल में कैद किया था। अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, मगर तुम जा सकते हो, इसलिए जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। तब वो शैतान अपनी शक्तियों से एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को प्रकट करता है। ये देखकर शंकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? एक साधारण ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? तब वो शैतान कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम इस ट्रैक्टर को लेकर अपने गाँव में चले जाओ, बाकी काम ट्रैक्टर रोबोट खुद कर लेगा। शंकर उस ट्रैक्टर को लेकर अपने घर वापस आता है। रात के समय वो ट्रैक्टर एक जॉइंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गांव के सब घरों को तोड़ने लगता है। सब गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक आदमी कहता है, अरे ये क्या चीज है जो हमारे गांव में तबाही मचा रही है? वहां खड़ा राहुल नाम का एक आदमी कहता है, मैं कल रात को ही गांव में वापस आया, तब मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने जाकर देखा तो वहां एक ट्रैक्टर रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था। ये सब शंकर भी सुन रहा था और वो कहता है, अरे बाप रे बाप, अब ये ट्रैक्टर रोबोट क्या है? मैंने तो ये नाम जिंदगी में पहली बार सुना है। तब राहुल ने कहा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं जानता हूँ कि इस रोबोट को किस तरह खत्म करना है। अगले दिन शंकर जंगल में ट्रैक्टर को लेकर उस शैतान के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक आपके ट्रैक्टर रोबोट ने सारे गांव में तबाही मचा दी। ये सुनकर वो शैतान बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारा सोना देता है और कहता है, हर शनिवार की रात को ये ट्रैक्टर अब इस गांव में तबाही मचाएगा और तुम आकर मुझे बताओगे। शंकर वो सारा सोना लेकर अपने घर आता है और कहता है, मेरी वजह से इस गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब तो मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ, अब मुझे इस गांव वालों की मदद करनी होगी। शंकर उस ट्रैक्टर रोबोट से छुपकर राहुल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर राहुल कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर शंकर ने कहा, गांव में जिसका जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस शैतान से बचा लो। मैंने पैसों की लालच में आकर उसकी बात मान ली, मगर अब वो शैतान इस गांव को नहीं छोड़ेगा। जब गांव ही नहीं रहेगा तो मैं इस दौलत का क्या करूंगा? ये सुनकर राहुल ने जवाब दिया, ठीक है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मगर अब तुम इस गांव वालों की मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ये सुनकर शंकर कहता है, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है मुझे बताओ, मैं लाकर दे दूंगा। तब से राहुल उस शैतान के ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाने में लग जाता है।
वो शंकर से कहकर अपनी लैब में एक सुपर कार मंगवाता है। राहुल उस ट्रैक्टर रोबोट की तरह अपनी सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। दिन रात मेहनत करने के बाद राहुल अपनी सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट को देखकर शंकर भी बहुत खुश हो जाता है और वो राहुल से कहता है, क्या तुम्हारा रोबोट उस शैतान की ताकत के सामने टिक पाएगा? ये सुनकर राहुल अपने सुपर कार रोबोट में एक बहुत ही पावरफुल चिप लगा देता है, जिससे सुपर कार रोबोट की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। तब राहुल कहता है, मैंने अपने सुपर कार रोबोट को इतना पावरफुल बना दिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं हरा सकती। कुछ दिन जो ही गुजर जाते हैं, आखिर शनिवार की रात आ ही जाती है, जब ट्रैक्टर ने एक रोबोट में बदल कर गाँव में तबाही मचानी थी। ट्रैक्टर रोबोट गांव में तबाही मचा नहीं वाला था, तब अचानक वहां सुपर कार रोबोट आकर ट्रैक्टर रोबोट का रास्ता रोक लेता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को मार गिराता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शंकर को अभी भी इस शैतान से खतरा होता है। इसलिए वो राहुल से कहता है, हमें इस शैतान को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो फिर से हमारे लिए खतरा बन सकता है। तब राहुल अपने सुपर कार रोबोट को लेकर जंगल में जाता है, जहां वो शैतान छुपा हुआ था। मैजिकल सुपर कार रोबोट शैतान पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो शैतान वहीं पर खत्म हो जाता है। एक गांव में सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसका एक ही बेटा था, जिसका नाम विक्रम होता है। सुरेश का सपना था कि विक्रम भी इसकी तरह बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बने, इसलिए वो विक्रम को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। एक दिन सुरेश अपनी लैब में काम कर रहा था, तब उसके पास पुलिस कमिश्नर आता है और वो सुरेश से कहता है, सुरेश तुम तो जानते हो हमारे गांव में जुर्म कितना बढ़ चुका है, गांव में जुर्म को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर सुरेश ने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? पुलिस कमिश्नर सुरेश को एक रोबोट बनाने के लिए कहते हैं। तब सुरेश कहता है, ठीक है सर, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, शाबाश सुरेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास हो, फिर मैं शहर के सब मुजरमों को इस रोबोट की मदद से ढूंढ कर पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। सुरेश अपनी लैब में रोबोट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन इस बात का पता गाँव के सबसे बड़े मुजरिम गब्बर को चलता है और वो कहता है, अगर सुरेश ने रोबोट बना लिया तो वो रोबोट हम सबको पकड़ लेगा, इसलिए मुझे अब इस सुरेश को खत्म करना होगा। एक दिन सुरेश जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तब गब्बर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पकड़ने के लिए रोबोट बना रहे हो? उसे देखकर सुरेश चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब गब्बर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वही साइंटिस्ट हो ना जो शहर के मुजरिम पकड़ने के लिए रोबोट बना रहा है। मुझे रोबोट बनाने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर ने दी है, मैं तो बस कानून की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर गब्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो सुरेश को वहीं मार डालता है। इस वजह से पुलिस कमिश्नर का रोबोट के जरिए मुजरिम पकड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं, सुरेश का बेटा विक्रम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके अपने गांव में आता है। इस गांव पर अब भी गब्बर का राज था। गब्बर अपने एक आदमी से कहता है, जाओ और शहर से सबसे बड़े साइंटिस्ट को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। तब गब्बर के आदमी बहुत बड़े साइंटिस्ट को अपने जंगल के अड्डे पर बंदी बना कर लाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पकड़ कर क्यों लाए हो? ये सुनकर गब्बर ने कहा, कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने मेरे खिलाफ जाने की गलती की थी, मैंने उसे मार डाला।
लेकिन वो साइंटिस्ट एक ऐसा रोबोट बना रहा था जो अपने मालिक की हर बात मानता हो। अब तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बना कर दो जो मेरी हर बात मानता हो, वरना मैं तुम्हें उस साइंटिस्ट के पास भेज दूंगा। ये सब सुनकर वो बेचारा साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में गब्बर के लिए खतरनाक हल्क बस्टर रोबोट बना रहा था। तब गब्बर कहता है, इस रोबोट को मेरी हर बात माननी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, आप फिकर मत करें सर, मैंने इस रोबोट में एक ऐसा सेंसर लगा दिया है, ये आपकी हर बात मानेगा। तब वो साइंटिस्ट गब्बर को एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, आपका हल्क बस्टर मॉन्स्टर तैयार हो चुका है। तब हल्क बस्टर मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाता है। और उसे देखकर गब्बर कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कुछ दिनों में गब्बर उस गांव पर हमला करने वाला था, लेकिन इस बात का पता विक्रम को चलता है। उसे एक आदमी आकर बताता है, सुना है अब गब्बर इसी गांव में एक रोबोट लेकर आएगा, फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, लगता है उस गब्बर को रोकने के लिए मुझे भी एक रोबोट बनाना पड़ेगा। ये सुनकर पास खड़ा एक आदमी कहता है, बेटा तुम रोबोट जरूर बनाओ, लेकिन गब्बर को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो रोबोट तुमने बनाया है। तुम्हारे पिताजी भी इस गब्बर को पकड़ने के लिए एक रोबोट बना रहे थे, लेकिन उस गब्बर ने उन्हें मार डाला। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आप फिकर मत करें चाचा, गब्बर को पता नहीं चलेगा कि ये रोबोट मैंने बनाया है। तब विक्रम भी गांव में एक रोबोट बनाता है। एक दिन गब्बर अपने हल्क बस्टर मॉन्स्टर को लेकर गांव में आता है। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर लोगों को डराने के लिए घरों को तोड़ने लगता है। तब विक्रम वहां अपने रोबोट को गब्बर के रोबोट को रोकने के लिए भेजता है। दोनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगते हैं। गब्बर का हल्क बस्टर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो विक्रम के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब गब्बर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। मेरे रोबोट ने तो अपने जैसे शक्तिशाली रोबोट को भी खत्म कर दिया। तुम लोग तो फिर भी साधारण इंसान हो ना, अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो ये रोबोट उसे मार डालेगा। विक्रम बहुत निराश होता है कि उसके रोबोट को गब्बर के रोबोट ने कैसे खत्म कर दिया। उसे लगता है कि शायद उसने रोबोट ठीक से नहीं बनाया। अगले दिन पुलिस कमिश्नर विक्रम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने गब्बर के रोबोट को मारने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन गब्बर के पास जो रोबोट है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, आखिर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस शक्तिशाली रोबोट को खत्म करने के लिए। तब पुलिस कमिश्नर ने बताया, हाँ एक रास्ता है, तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक रोबोट बना रहे थे। उनकी लैब जंगल में एक खुफिया जगह पर है, उसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूं, शायद वहां तुम्हें कुछ मदद मिले। पुलिस कमिश्नर और विक्रम उस लैब में जाते हैं जहां विक्रम के पिता एक जायंट रोबोट बना रहे थे। विक्रम उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे मेरे पिता तो बहुत महान साइंटिस्ट थे, मैंने आज तक ऐसा आविष्कार नहीं देखा। असल में वो आविष्कार एक हेलीकॉप्टर रोबोट था, बस उसमें एक चिप लगाने का काम रहता था। विक्रम अपने पिताजी के बनाए हुए रोबोट में एक बहुत पावरफुल एडवांस चिप लगाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। विक्रम अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। वहां सामने ही गब्बर और उसका हल्क बस्टर मॉन्स्टर खड़े थे। विक्रम को देखकर गब्बर कहता है, तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे पास सुरेश का बनाया हुआ रोबोट कहां से आया। ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैं सुरेश का ही बेटा हूं और तुमसे अपने पिताजी की मौत का बदला लेने आया हूं। हल्क बस्टर मॉन्स्टर और हेलीकॉप्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है।
विक्रम का हेलीकॉप्टर रोबोट गब्बर के हल्क बस्टर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। विक्रम गब्बर को पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।